पैदा ही सामने हुई उस वक्त से, उस वक्त थोड़ा बुरा दौर था नहीं, तो उसके बाद हम लोग कैसे कैसे लालन पालन किए, लेकिन मुझे याद है कभी कमी किसी चीज़ की नहीं होने दी। आज अक्षरा बड़ी है, अपने पैरों पे खड़ी है, पार्टी एंजॉय कर रही है। और एक बात बताऊं कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है, किसी भी माँ बाप के लिए गर्व की बात होती है, हर्ष की बात होती है, खुशी की बात होती है, वो ये कि माँ और बाप से ज़्यादा आपके बच्चे कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा नाम कमा रहे हैं, आपसे ज़्यादा ख्याति अर्जित कर रहे हैं। ये माँ बाप से, मैंने इससे बड़ा दुनिया में कोई गर्व वाली बात ही नहीं है। आप सोच के देखिए, मूल्यांकन करके देखिए, तो अक्षरा को आज देख रहा हूँ जिस दौर में, बहुत हर्ष का विषय है हमारे लिए, बहुत आह्लादित करता है, उन्मादित करता है, और इतनी खुशी शायद जन्नत ही है जो आज ये माँ और मैं बाप होकर यहाँ जो अनुभव कर रहा हूँ, अनुभूति प्राप्त कर रहा हूँ। सच कहूँ ये जन्नत ही है कि माँ बाप के सामने आपके औलाद आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं और आपसे ज़्यादा ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इससे बड़ी हर्ष की बात इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है शायद। 5 साल की अक्षरा और आज के क्षण क्या अंतर है? 5 साल की अक्षरा और आज की अक्षरा में अंतर सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी से लेके इतनी बड़ी सी। 5 साल पहले भी हम लोग उसे उसी तरीके से प्यार करता था, उसी तरीके से। जब वो 5 साल की थी तब की बात कर रहा हूँ। वो 5 साल की थी। अंतर और आज में अंतर ये है भाई साहब, हमारे लिए बहुत स्ट्रगल का दौर था, लेकिन तब भी अक्षरा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अब प्लस वो गाना जो पहली बार वो रिदम में आई थी, कौन सा गाना, कौन सा था वो? समंदर पार। हाँ, सात समंदर अच्छा, पार। अक्षरा जी भी आ गई हैं अपने मम्मी पापा के पास आशीर्वाद लेने के लिए, तो मैं अक्षरा ही चाहूंगा अक्षरा जी आप भी आ जाइए। तो उस वक्त की अक्षरा वो रिदम जब पकड़ी थी और आज हमें ही नचा रही है अपने रिदम पे, उस वक्त की और अब की अक्षरा में इतना इंतजार। सर, आप दोनों भी एक्टर हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या कुछ एक ऐसी नसीहत देना चाहोगे जो आपको लगता है सही होगी? नसीहत क्या, जब हमने होश संभाला, हालांकि मैंने अपना सर्वस्व जीवन अभिनय को समर्पित किया था। पहले रंगमंच में हमारा एक लंबा वक्त 25 वर्षीय इतिहास रहा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त से मतलब अक्षरा हमारे साथ पली बढ़ी, और मेरे ख्याल में अब देखिए माँ बाप के लिए ना बच्चा उसी वक्त से लाडला और मन जिगर का टुकड़ा हो जाता है। तो जो जो चीज़ें मुझे देनी थी, लगता था कि नहीं नहीं मेरी बेटी जरा संगीत सीखे, तो उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे हमारे। कार्टन लिप्टन का वो डालडा आता था ना, तो मेरा दौर ऐसा भी था जब मैं कार्टन इस पर उठा के और काम करता था, और मुझे लगता है 3,000 और 3,500 तनख्वाह मिलती थी हमें। yes. तो उस वक्त भी वो दौर था और आज भी उस, लेकिन उस वक्त के दौर में हमें ना वो एक एक पैसे जमा करके नीलिमा ने पैसे एकत्रित किए थे और जन्मदिन पे इसको, हाँ, मुझे इसको एक्टिंग करेगी ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं चाहती थी कि ये सिंगर बने। और उस वक्त इसने हारमोनियम मतलब कई सालों के पैसे जमा करके 3,000-3,500 का वो ये सिंगल रीड का हारमोनियम हुआ करता था, वो इसके जन्मदिन पे हम लोगों ने गिफ्ट किया था, ये रियाज करती थी। लेकिन तब मैंने ये बोला था कि बेटा गाना सीख, और जिस दिन अच्छे से सब जानते सब जानते उस दिन मुझे वो गाना सुनाना अखियों के झरोखे एक बार अक्षरा सिंह प्लीज अखियों के झरोखे से। एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है, बाकर तुझे मम्मा मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। हम लोगों की ख्वाहिश थी, आई लव यू।
कि शुरू से इसको संगीत पक्ष में इनको संगीत में डालूं, रियाज वाज करती थी। फिर हमारा अभिनय का दौर चलता था, वो रंगमंच, वो थिएटर, वो नाचना, वो गाना। अक्षरा जब पैदा हुई होश संभाली भी नहीं थी, तब से बड़े बड़े लोगों के गोद में खेला करती थी। रतन थियाम जी, आप थिएटर पर्सनालिटी हैं, उनकी पत्नी के साथ, उनके बच्चे के साथ, बाबा कारण साहब के साथ, हबीब तनवीर साहब के साथ, तो अक्षरा का दौर वहाँ कुछ रहा। लेकिन एक शख्सियत का नाम मैं भूलना नहीं चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मैं और संजय उपाध्याय, आज वो संजय उपाध्याय NSG भोपाल का डायरेक्टर है। अभिनय के क्षेत्र में NSG का एक पूरे एशिया में, इवन वर्ल्ड में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है। संजय उपाध्याय इसके बाबूजी, उसके आज डायरेक्टर हैं, उन लोगों के गोद में पली बढ़ी, अभिनय सीखी, नृत्य में कथक से डिप्लोमा। हाँ, संजय उपाध्याय ने ही इसको अक्षरा का नाम, आज बड़े प्यार से बड़े पापा बुलाती है। तो मतलब कहें तो अक्षरा शुरू से ही बड़े बड़े हस्तियों के साथ, हालांकि फिल्म के हस्तियों के साथ नहीं, बच्चन साहब के साथ समझ के, और हमारे भोजपुरी के बड़े हस्तियों के साथ नहीं, पर जो थिएटर पर्सनालिटी जो बड़े बड़े थे उसके गोद में पली बढ़ी। और एक हमारे ये बड़े प्यार से दादा बुलाती थी लालू यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को घंटों घंटों गोद में बढ़ती थी, बिस्किट लाओ रे, कोल्ड ड्रिंक्स लाओ रे, वो सब दौर था। और बड़ा उतार चढ़ाव के साथ आज यहाँ पहुँची है और आपके सामने रूबरू है, मुखातिब है आपसे। अच्छा जी, आप गाना गाते गाते इमोशनल हो गए, आंसू निकल आए, वजह क्या थी? वजह ये थी, मेरे पेरेंट्स, जैसा कि मैं शुरू से बोलती आई हूँ, मम्मी पापा का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है। बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं रहा है, पर मैं एकदम ही उल्टी थी कि मुझे मन नहीं था, बट पेरेंट्स वर देयर कि मैं पीछे से हूँ, चलो, क्योंकि मेरे पापा ने मुझ में सपना देखा जो कि वो उस समय नहीं देख पाए, जब उनके मेहनत का दौर था, जब उन्होंने अपना सैक्रिफाइस कर दिया मेरे लिए या अपने बच्चों के लिए, मैं और मेरे भाई। या आप सिंपल ये कहें कि इसके मतलब पापा, ये विपिन सिंह का एक तरीके से आप कहें शब्दों में तो फ्रस्ट्रेशन है अक्षरा सिंह, जो जीवन में हमने जो मुकाम हासिल नहीं किया, आज इस अवस्था में, इस आयु में पहुंच गया हूं, मैं अपना फ्रस्ट्रेशन अक्षरा सिंह में देखता हूं, अभिनय में, नृत्य में, गायकी में, और जो सुखद अनुभूति मुझे होती है, तो समझो आप कि इस पृथ्वी पे अगर जन्नत है तो यही है, जो मैं उसको अनुभूति कर रहा हूं, जो मैं उसे झेल रहा हूं और आनंदित हो रहा हूं, यही है जन्नत। अच्छा जी, इतने दिन में आप सिर्फ मम्मा को प्यार कर रहे हो, पापा क्यों? अरे पापा, हर बेटी के लिए पापा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यू नो। ठीक है, मैं आप प्रॉब्लम हो रहा है तो कम, पापा की परी और शुरू से बेटियां रही हैं, तो आई एम हियर मम्मा को इसलिए प्यार कर रही थी क्योंकि रो रही है, बहुत इमोशनल है इसकी वजह से। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसे पेरेंट्स पाई, और आज का बर्थडे मैं सेलिब्रेट नहीं करना चाहती थी, बट ये मेरे पेरेंट्स के तरफ से सरप्राइज है मेरे लिए, सो आई एम सो हैप्पी। एंड आई होप कि मेरे फैंस लोग भी, जितने लोग मुझे विश किए हैं, जितना भी प्यार और जितना भी आशीर्वाद दिए हैं, उन सभी लोगों के दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आइए रितेश जी।